हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स इन क्यूबेसिक के बारे में लूप्स एक बड़ा ही मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है आपको ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मल्टीपल कंडीशंस और सिलेक्ट केस के बारे में भी जानकारी होनी ज़रूरत है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है आप इस आई बटन में क्लिक करके वो वीडियोज़ देख सकते हो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा नहीं तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझ में नहीं आएगा तो चलिए देखते हैं लूप्स क्या होती है और इसे प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम लूपिंग के बारे में बात करें तो एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जो आपके किसी भी स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट कर सकता है अगर डेफिनेशन वाइज जाए तो कुछ इस तरह मिलेगी जैसे कि लूपिंग इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द कंस्ट्रक्ट दैट मेक्स द कंप्यूटर रिपीट द इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन इसका मतलब आप लूप मैकेनिज्म के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो तो वो मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कर सकती है टाइप्स ऑफ लूप्स हमारे पास तीन तरह के लूप्स हैं बट वो तीनों तरह के लूप एक ही काम करते हैं बट टाइप्स अलग अलग है जैसे कि पहला है फॉर लूप दूसरा है वाइल्डवेंड लूप और तीसरा है डू लूप तीनों के नाम अलग अलग है सेंटैक्स अलग अलग है बट काम वो एक ही करती हैं जो है कि स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना तो चलिए देखते हैं कि लूप का जो सिंटैक्स है वो हम कैसे लिख सकते हैं और इसे कैसे यूज़ किया जाता है लूप लिखने के लिए आपको पहले प्रोग्राम लिखना होगा जैसे कि हमने लिखा सी एल एस उसके बाद हमने लिखा फॉर फॉर ये एक कीवर्ड है आप बोल सकते हो बेसिक में ये कीवर्ड है जो लूप को स्टार्ट करता है उसके बाद आप देख रहे हो वहाँ लिखा हुआ है आई आई एक काउंटर वेरिएबल है आप बोल सकते हो यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हो उसके लिए काउंटर वेरिएबल क्यों काउंटर वेरिएबल में आपने डालना है स्टार्टिंग लिमिट और एंडिंग लिमिट इसका मतलब लूप कब स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा नंबर ऑफ़ टाइम्स जैसा कि हमने कहा कि लूप एक मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म के अंदर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो वो नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करता है तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स डालना है मतलब उसका लिमिट डालना है स्टार्टिंग लिमिट और एंडिंग लिमिट उसके बाद आपने लिखना है लूप बॉडी लूप के अंदर अब इसके अंदर आपने कुछ भी लिखना है मतलब आप जो चाहे वो एग्जीक्यूट करा सकते हो लूप बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो उसके बाद आपने लिखना है नेक्स्ट कमांड इसका मतलब नेक्स्ट आप डालना है नेक्स्ट और फिर काउंटर वेरिएबल का नाम इसका मतलब नेक्स्ट डालते ही आपका एक आइटरेशन क्रिएट हो जाता है कैसे ये ऐसे यहाँ एक आइटरेशन क्रिएट हो जाती है तो ये फॉर से स्टार्ट होती है और नेक्स्ट पे आके ख़त्म होती है इन दोनों के बीच में आप कुछ भी लिखते हो तो वो नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होती है तो चलिए देखते हैं इसमें प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है जैसा कि हम देख पा रहे हैं हम बेसिक के इंटरफेस पे आ गए हैं तो अब हमने प्रोग्राम लिखना है तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं हमने लिखा सी एल एस उसके बाद हमने स्टार्ट करना है लूप तो हमने लिखना है फॉर कमांड उसके बाद हमने देना है काउंटर वेरिएबल तो हमने दे दिया है आई इक्वल टू अब हमने देना है स्टार्टिंग लिमिट और एंडिंग लिमिट हम स्टार्टिंग लिमिट दे सकते हैं वन से तो हमने दे दिया वन आप कहीं से भी स्टार्टिंग लिमिट दे सकते हो वो आपकी मर्जी है तो वन टू टेन अब हमने स्टार्टिंग लिमिट दिया है वन टू टेन इसका मतलब हमने इस लूप को लिमिट दिया है दस अब इस लूप के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो दस बार चलेगी तो अब ये हमारे ऊपर है हम इसके अंदर क्या लिखना चाहते हैं तो हम सिंपल सा प्रिंट करेंगे आई वेरिएबल को अगर हम लिख देते हैं प्रिंट आई इसका मतलब ये हर बार आई को प्रिंट करेंगी तो आई का जो भी वैल्यू होगा वो ये प्रिंट करेगा इसके बाद हमने लिखना है नेक्स्ट और फिर काउंटर वेरिएबल का नाम और फिर एंटर तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा लूप स्टार्ट हुआ है फॉर कमांड से हमने फॉर कमांड से लूप स्टार्ट किया उसके बाद आई हमारा काउंटर वेरिएबल है फिर हमने लिमिट दिया वन टू टेन अब फिर हमने प्रिंट किया आई को और उसके बाद नेक्स्ट आई जैसे ही हम नेक्स्ट आई लिखेंगे और मतलब ये नेक्स्ट आई एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल सीधा चल जाएगा यहाँ फॉर आई के पास और जैसे ही नेक्स्ट आई से फॉर आई के पास कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा आई का जो वैल्यू है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा अपने आप बाई डिफॉल्ट आई का वैल्यू एक स्टेप इंक्रीज कर जाएगा इसका मतलब अगर हम अज्यूम करते हैं कि आई का वैल्यू वन है तो प्रिंट आई आई का वैल्यू प्रिंट करेगा वन तो फिर यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट आई तो कंट्रोल चला जाएगा फिर से फॉर आई के पास और आई का वैल्यू एक स्टेप बाई डिफॉल्ट इंक्रीज़ कर जाएगा मतलब आई का वैल्यू हो जाएगा टू ये फिर से नीचे आएगा प्रिंट आई ये फिर से आई को प्रिंट करेगा एस टू उसके बाद फिर से नेक्स्ट आई एग्जीक्यूट करेगा तो फिर से ये कंट्रोल फॉर आई के पास चला जाएगा और आई का वैल्यू हो जाएगा थ्री बाई डिफॉल्ट एक इंक्रीज फिर से होगा तो ऐसे ही ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा और प्रिंट आई को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि फॉर आई मतलब लूप का लिमिटेशन आई का वैल्यू जो है वो टेन तक ना पहुँच जाए इसीलिए आई को एज़ अ काउंटर वेरिएबल हम कहेंगे क्योंकि इसी के वजह से आपके जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब लूप है जो नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर आप कह सकते हो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट टाइम ख़त्म होगा इसका मतलब जैसे ही हमारा जो लिमिटेशन है लूप का वो ख़त्म होगा तो ये प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा तो चलिए इसे हम रन करके एक बार देखते हैं कि इसका आउटपुट आएगा कैसे मेरे हिसाब से ये वन से लेकर टेन तक नंबर्स को प्रिंट करेगा तो हमने किया स्टार्ट जैसे कि हम देख पा रहे हैं आउटपुट आया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ऐसा ही का मैंने कहा था कि ये आई को प्रिंट करेगा क्योंकि हमने आई को लूप के अंदर लिखा था इसके बाद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यूँ तो हम अगर नेक्स्ट आई लिखते हैं तो कंट्रोल वापस फॉर आई के पास जा रहा है और आई का वैल्यू जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है मतलब बाय डिफॉल्ट आई के वैल्यू को एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है बट अगर हम चाहें अगर हमें ज़रूरत है प्रोग्राम में कि आई का वैल्यू दो स्टेप बढ़े या नंबर ऑफ़ स्टेप ज़्यादा बढ़े ये दो या तीन स्टेप आगे बढ़े तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है स्टेप कीवर्ड तो हमें जस्ट लिखना है स्टेप जितने स्टेप हमें आगे बढ़ानी है तो बाय डिफॉल्ट ये एक स्टेप आगे जाएगा तो हमें लिखना है टू अगर एक स्टेप आगे जाना है तो स्टेप टू अगर तीन स्टेप आगे जाना है तो स्टेप थ्री जितने स्टेप्स आगे जाने हैं उतने स्टेप आपको लिख देने हैं वहाँ पर तो अब ये क्या होगा नेक्स्ट आई जब आपने लिखा है मतलब नेक्स्ट आई जब एग्जीक्यूट करेगा तो फिर से कंट्रोल फॉर आई के पास चला जाएगा और अब की बार आई का जो वैल्यू है वो दो स्टेप आगे बढ़ेगा मतलब आई के वैल्यू पहले आपने आई का वैल्यू वन प्रिंट किया उसके बाद जब नेक्स्ट आई लिखा गया तो इसका मतलब आई के पास वापस कंट्रोल गया अब आई का वैल्यू बन जाएगा थ्री इसका मतलब दो स्टेप आगे चला जाएगा तो चलिए देखते हैं इस बार का जो आउटपुट है वो किस तरह से अलग होगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन मतलब हर नंबर दो दो स्टेप आगे बढ़ गया है तो ये हुआ स्टेप कीवर्ड का कमाल तो यही इसी तरह आप अगर लूप को उल्टा घुमाना चाहे मतलब रिवर्स लूप घुमाना चाहे तो आपने करना क्या है आपने बस लूप को उल्टा घुमाना है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपने देनी है कुछ और तो क्या देखनी है हम मान लेते हैं कि हम लूप को उल्टा घुमाना चाहते हैं 10 से लेके 1 तक मतलब 10 टू 1 ये उल्टा घूमेगा तो फिर हमने स्टार्टिंग पॉइंट देनी है 10 और फिर एंडिंग पॉइंट देनी है स्टार्टिंग पॉइंट देनी है 10 और एंडिंग पॉइंट देनी है 1 अब ये सवाल उठता है कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेप आगे बढ़ेगा इसका मतलब आई का वैल्यू जो है वो टेन से इलेवन हो जाएगा नहीं हम यहाँ पे स्टेप कीवर्ड को दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं स्टेप माइनस वन जिससे क्या होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेप पीछे जाएगा इसको आप बढ़ा भी सकते हो जैसे स्टेप माइनस टू कर दोगे तो ये दो स्टेप पीछे चला जाएगा ठीक है तो इससे हम लोगों को उल्टा लूप घुमाने में मदद मिलेगी जैसे कि हम यहाँ पर रन करते हैं तो हम देखेंगे कि ये लूप उल्टा घूम रहा है टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन तो ये हमारा लूप जो है वो उल्टा घूमने लगा ये हुआ फॉर नेक्स्ट लूप का सिंटैक्स आई होप मैं आपको ये लूप का जो कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है मैं समझा पाया हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग